देखिए मैं जो खास बात बताऊं, क्योंकि मैं एक पूर्व अर्ध सैनिक हूँ, मैंने जो है ना सीआरपीएफ में लंबी सेवा की है। अगर सीआरपीएफ के पुलवामा में जो 40 जवान शहीद हुए जी, अगर वो हादसा नहीं होता तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक होती? नो, नेवर। क्या राष्ट्रवाद की लहर चलती? नहीं चलती। और सर मेरा आपसे एक सवाल है, आपने राष्ट्रवाद की बात करी है, क्या देश में पहले राष्ट्रवाद नहीं था क्या? पुलवामा से पहले देश कहीं पहले उठ के भाग गया था क्या? आज खतरे में देश कैसे है? क्या पहले देश यहाँ से उठ के लोग भाग रहे थे क्या? बिल्कुल, ये जो एक नई इन्होंने हवा चलाई है राष्ट्रवाद की, राष्ट्रवाद सब पैदा होगा जब रोजगार होगा, हिंदुस्तान आजाद हुआ और जब लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे, नए उद्योग धंधे चालू होंगे। ये तो सर इन्होंने खत्म कर दिया सारे उद्योग धंधे तो। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं जो पूर्व अर्धसैनिक की मैं बात करूं तो हमारे अर्धसैनिक बलों के साथ भी जो आधे अधूरे सीआरपी बीएसएफ आईटीबीपी के जो चाक चौबंद चौकसी कर रहे हैं, जिन जवानों की पेंशन नहीं है, शहादत में भी भेदभाव है, और जवान जो है पूरे कश्मीर को सीआरपी संभालने में सेना नहीं है, सेना तो बैरिक में है, बीएसएफ के जवान जिनके गर्दन काटी जा रही है सेना तो 50 किलोमीटर पीछे है, तो अर्ध सेना आधे अधूरे ठगे से सुविधाओं से महरूम। और इन बातों को लेकर हम 13 दिसंबर को जब देश की संसद को सीआरपीएफ ने बचाया था, हम अपने जायज मुद्दों को लेकर यही आपके जंतर मंतर पे एक बार फिर से दस्तखत देंगे। क्या लगता है जो सरकार के खिलाफ यहाँ में बोलता है उसको देश द्रोही करार दिया जाता है, उन पर मुकदमे हो जाते हैं, जबकि सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास? सर क्या लगता है इस सरकार में आपको? ये सब झूठे वादे हैं, ये कुछ करने वाले नहीं हैं। तो ये वही जो इन्होंने जो बताया, अदानी और अंबानी, इनके अलावा कोई है ही नहीं कि व्यापार, इतना लाखों लोग इधर है। सर जो हमारे देश की रीढ़ होती है इंडस्ट्री, जो भारतीय उद्योग हैं बड़े, जो भारी उद्योग हैं, अशोक लेलैंड हो गए, हिंदुस्तान मशीन टूल्स हो गई, BSNL, MTNL या जो अब भारत पेट्रोलियम, ये सब धड़ाम होते जा रहे हैं, आखिर ये क्या लगता है कि सरकार इनको सबको समेटना चाहती है? बिल्कुल, ये अपना लायबिलिटी कम करना चाहती है और ये बिजनेसमैन को लाना चाहती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में 2004 के बाद जो अपॉइंट हुआ उनको पेंशन भी नहीं है, इसलिए पेंशन नहीं है कि लायबिलिटी खत्म करने की। आपसे सर एक सवाल हो रहा है, ये इतनी सारी चीज़ें लोग फेस कर रहे हैं हमारे देश के, सब कुछ धड़ाम हो रहा है, उसके बाद में जो भाजपा है सबसे बड़ी पार्टी है हमारे देश की, वो फिर भी जो चुनाव जीतती जा रही है, उनकी सत्ता हासिल करते जा रहे हैं, ये कैसे जीतते हैं हमें तो नहीं मालूम, लेकिन जो मीडिया में यह आ रही है कि इन्होंने ये हाइक कर देते हैं, जो EVM मशीन है इसको हाइक कर देते हैं, जिसका वजह से इनको इतना मेजोरिटी मिल रहा है ऐसा मीडिया में। मेरा ये कहना है, मेरा कहना ये है, जो जनता जागरूक होना चाहिए, अपना जो भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, चाहे जेल में बंद करे या कुछ भी करे। सर ये आवाज उठाना, आप ये कह रहे हैं कि जो EVM से जीत जाती है भाजपा, लेकिन 3 राज्यों में तो कांग्रेस जीत गई थी, छत्तीसगढ़ MP और राजस्थान में। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ जनता को जागरूक, वहाँ पे EVM नहीं सेट की गई थी, नहीं ऐसा कई जगह सेट नहीं कर पाए होंगे। तो सर जो हमारी सरकार है मोदी सरकार, वो कहती है सबका साथ सबका विकास और राष्ट्रवाद की बात करती है, उसमें शहीदों की बात करती है, लेकिन जो बहुत सारे सैनिक परिवार है वो भी कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है, क्या सिर्फ ये वादे हैं, क्या सिर्फ भाषणबाजी करती है सरकार? बिल्कुल, देखिए अभी लग तो यही रहा है कि, लेकिन हमारे नए सेनापति आए हैं अभी, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री, उनसे हमारे अर्ध सैनिकों को काफ़ी उम्मीदें हैं और वो अभी पता चल जाएगा, तो उम्मीद के सारे लोग जिंदा हैं यारो। सर हमारे देश में एक नया चलन चल गया है, भीड़ तंत्र, मोब लिंचिंग। सर ये इसको आप किस तरह से देखते हैं कि हम भी जब काफ़ी हम मोब लिंचिंग पहले एकाध होती थी, लेकिन हम रोजाना कहीं ना कहीं मोब लिंचिंग हो जाती है? मोब लिंचिंग थोड़ा बताइए, मोब लिंचिंग समझते क्या आप, क्या समझते बोले आप, ये बताइए क्या मोब लिंचिंग? भीड़ द्वारा लोगों की हत्या करना एक बहुत बड़ा कारण है, जो हमारे अगर कानून अगर ढंग से नहीं किया जाएगा तो मोब लिंचिंग कभी कभी नहीं होगी। कई बार होता है कि
फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है हमारा, किसी बात का जो हम कहना चाहते हैं हम कहने की बातें हम सुन नहीं पाते, लोग हमारी बात सरकार सुनती नहीं है, तो उसके से कभी मॉब लिंचिंग होती ही है। जैसे गोहत्या वाली बात होगी, जब हिंदुओं में गोहत्या नहीं पाप माना जाता है तो उनकी हत्या क्यों की जाती है, उन्हें क्यों मारा जाता है, लेकिन भारत सरकार की सुनवाई नहीं है, कोई फर्क इस बात का, ये मतलब ये पहले सुनवाई नहीं। तो कई बार क्या होता है कि डिप्रेशन शिकार होता है इंसान, तो उस चक्कर में मॉब लिंचिंग करता है। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि गाय को जो है क्यों मारा जाता है, तो भारत सरकार ने क्यों जो है स्लॉटर हाउस को जो है वहाँ पे दे रखी है परमिशन, उतने सारे वहाँ लाइसेंस दे रखे हैं भारत सरकार ने, और उसमें मुस्लिमों के नाम पर हिंदुओं के सारे स्लॉटर हाउस चल रहे हैं। सर मुझे ये बताइए, जो इंडस्ट्रीज है हमारे देश की, भारी उद्योग है, वो सब धड़ाम है, 40 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं मंदी के, तो आपके जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, उनको कैसे आप रोजगार दे पाओगे? इसको हमें कोशिश करनी पड़ेगी, जो हमारी इंडस्ट्री में जो हमारे फैसले लिए सरकार ने, या कुछ हमारी लोगों की गलती भी है, कुछ करप्शन भी जिसकी वजह से हमारे फैसले गलत होते हैं, और कोशिश की जाए तो सब कुछ पहले भी ठीक था, ऐसी बात है गलतियाँ दूसरे मंदा तेजी हमेशा कुदरत का नियम आती रहती है, जाती रहती है, खास बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन कोशिश की जाए तो ठीक कैसे करना है, तो हो सकता है जैसे मेट्रो बन की चलान काट दिए गए तो लोग ट्रैफिक सुधर गया ना लोगों का, तो वो वाली बात है, सरकार के लिए फैसले ठीक ले, सब कुछ हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई गलत बात नहीं है, सब ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं देश के अंदर। मंदा तेजी पहले भी थी, आज भी है और बाद में भी रहेगी, हो जाता है। लेकिन सर जो अभी जो बीजेपी सरकार चल रही है हमारे देश में 6 साल लग रही है, कोई बड़ी ऐसी इंडस्ट्री लेकर नहीं आए आज तक, ना कोई उद्घाटन किया है, जबकि जो पुराने उद्योग थे उनको सबको धड़ाम कर दिया गया है, वो कहीं ना कहीं तालाबंदी हो गई है, जो पुरानी कंपनियां थी BSNL MTNL और जो HMT है और सब खत्म हो गए हैं, तो ये कहीं कुछ देकर आ नहीं रहे हैं बल्कि और बंद करते जा रहे हैं। सर कहां से रोजगार आएगा? सरकार की इसमें थोड़ी कमी है, जो इसकी इंडस्ट्री को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, इनको अपनी कमी को सुधारना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। मैं मानता हूँ यहाँ कुछ कमी है इनकी, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, और ये दिक्कत ना ठीक है तो आगे दिक्कत और ज़्यादा आ सकती है, लेकिन ये चाहें तो ठीक कर सकते हैं, ये नहीं पता कि कारण क्या है कि क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं।